जेल एक ऐसी जगह होती है जहां पर चोरी, डकैती से लेकर अन्य अपराधों के लिए सजा के तौर पर अपराधियों को रखा जाता है। हालांकि जेल का नाम लेते ही मन में कई तरह के सवाल पैदा होने लगते हैं। कैदियों को खाने पीने से लेकर वहां रहने की व्यवस्था समेत कई तरह की दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। कोई जेल अच्छी सुविधाओं के लिए जानी जाती है तो कोई कैदियों के प्रति अपनी क्रूरता के लिए। आमतौर पर लगभग हर जेल से किसी न किसी कैदी के भागने की खबरें अक्सर आती रहती हैं। लेकिन आज हम आपको एक ऐसे खतरनाक जेल के बारे में बताने जा रहे हैं जिसके बारे में कहा जाता है कि वहां से कभी कोई कैदी भाग नहीं पाया। दरअसल इस जेल का नाम है अल्काट्राज, जो कैलिफोर्निया के सैन फ्रांसिस्को के तट से दूर अल्काट्राज द्वीप पर स्थित है। अल्काट्राज जेल साल 1934 में खुली थी, लेकिन उच्च रखरखाव लागत की वजह से इसे 1963 में बंद कर दिया गया। अब इस जेल का इस्तेमाल एक म्यूजियम के तौर पर किया जा रहा है, जिसे देखने के लिए हर साल लाखों की संख्या में लोग आते हैं। बता दें कि इस जेल को द रॉक नाम से जाना जाता है। कड़े सुरक्षा इंतजामों और चारों तरफ से सैन फ्रांसिस्को खाड़ी के ठंडे पानी से घिरे इस जेल को अमेरिका की सबसे मजबूत जेल माना जाता है, जहां से कभी कोई कैदी भाग नहीं सकता। कहते हैं कि इस जेल में अमेरिका के सबसे खतरनाक कैदियों को रखा जाता था जो भाग ना सके। हालांकि जेल के 29 साल के इतिहास में यहां से कुल 36 कैदियों ने भागने की कोशिश की, लेकिन इनमें से 14 को पकड़ लिया गया। पुलिस की गोली से मारे गए थे और कुछ पानी में डूब गए। 5 कैदियों की तो लाश भी पुलिस को नहीं मिल पाई थी। ऐसा कहा जाता है कि जून 1962 में इस जेल से 3 कैदी फ्रैंक मॉरिस, जॉन एंग्लिन और क्लेरेंस एंग्लिन भागने में सफल रहे। कई सालों के बाद पुलिस को मिले एक पत्र में इस बात का दावा किया गया था कि इसके बाद से पुलिस ने उनकी खोजबीन की थी, लेकिन वो कभी मिल ही नहीं पाए, जिसे साबित हो पाए कि वो जेल से भागकर जिंदा है। जॉन एंग्लिन और क्लेरेंस एंग्लिन नामक कैदी भाइयों के घर वालों ने भी इस बात का दावा किया था कि वो जिंदा है, लेकिन मिले ही नहीं। इस जेल को अमेरिका की सबसे डरावनी जेलों में से एक माना जाता है। यहाँ कई कैदियों ने आत्महत्या कर ली थी, जिसके बाद ऐसा दावा किया जा रहा था कि उनकी आत्माएं यहाँ भटकती रहती हैं। कई बार लोगों को यहाँ डरावनी गतिविधियों का एहसास हुआ है।